चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हम लोग आए हुए हैं अपने बुआ के यहाँ। जैसा कि चल रहा है हमारे बुआ के यहाँ शादी के फंक्शंस, तो बहुत सारे शादी के फंक्शंस होते हैं, स्पेशली लड़के की शादी में। लड़कियों की शादी में क्या होता है ना, हल्दी मेहंदी एंड फिर बारात और ख़त्म। लेकिन लड़के की फंक्शन में जस्ट अपोजिट होता है। लड़कों की शादी में तिलक से लेकर के जब तक दुल्हन आती है और दुल्हन जब तक वापस से पग फेरे के लिए नहीं चली जाती अपने मायके, तब तक फंक्शन चलते रहते हैं। तो कुछ ऐसा ही माहौल है। और आज मैं बता दूं, आज है जनेऊ यानी मीठी का फंक्शन। तो तैयार हो गई हूँ और देख सकते हो ये मैंने साड़ी वेयर की है, पिंक और ब्लू के कॉम्बिनेशन में है। और ज्वेलरी मैंने अभी अपनी पूरी नहीं डाली हुई है, अभी मुझे नेकलेस पहनना बाकी है और इयररिंग्स मन करेगा तो दूसरी वाली पहन लूँगी और नहीं तो फिर यही वाली पहने रहूँगी। तो बार बार ना चेंज करने में बहुत दिक्कत होती है। तो और वो जो वाली दूसरी वाली मेरी गोल्ड की है वो थोड़ी सी भारी है, तो ये थोड़ी सी हल्की हल्की झुमकियाँ हैं, तो ये मैंने पहन लिया। बैंगल्स मैंने ये वाली पहनी हुई है पिंक, मैचिंग मैचिंग ब्लाउज से मैचिंग है, ब्लाउज एंड साड़ी से मैचिंग है। तो देख सकते हो अभी रेडी हूँ। और मम्मी लोग घर से ही तैयार होकर के आए थे और मैं तो घर से सूट पहन के आई थी, तो यहाँ पे मैंने चेंज किया हुआ है। तो चलो अभी चलते हैं बाहर की तरफ और आपको दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है, क्या फंक्शन शुरू हो गया है। तो अभी जो है जनेऊ के फंक्शन जो मामा लोग होते हैं, हाँ बुआ मम्मी और चाची दोनों आ गई हैं, पापा भी आ गए हैं, चाचा भी आ गए हैं, सब लोग आ गए हैं। तो बुआ ने वही साड़ी पहनी हुई है जो कि भाई लोग लेकर के आते हैं, वही साड़ी पहनी जाती है और उसी साड़ी को पहन करके ना मायन पूजा होती है। तो अभी चलते हैं आपको, हाँ तो अभी मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर सिल पीसने की रस्म हो रही है, तो यहाँ पर सिल वाली रस्म हो रही, जिसको सिल मायन बोला जाता है, यही मेन रस्म होती है। तो इसमें देख सकते हो जो लोग मायन पूजा करते हैं वही लोग सिल पीसते हैं। तो यहाँ पर जोड़े में ही किया जाता है, तो यहाँ पर बुआ और फूफा दोनों लोग ही मायन पूजा कर रहे हैं, तो यही दोनों लोग सिल भी पीस रहे हैं। यहाँ पर दाल जो होती है वो पीसी जाती है, तो ये एक रस्म है जो कि जने वाले दिन करी जाती है, तो मायन वाले दिन करी जाती है। तो आज ये वाली रस्म जो है वो हो रही है। सब लोग बैठे हैं और धीरे धीरे गांव के लोग भी आते जाएंगे। और बिक्की वाले दिन ना सर बताऊँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और जैसा जिसका गांव होता है, गांव परिवार होता है, वैसे ही लोग भी इकट्ठे होते हैं। तो बुआ का गांव काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा घर हैं, तो इस वजह से भीड़ काफ़ी ज़्यादा होनी है। तो अभी धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो गया है, तो इधर साइड वाले बरामदे में भी सब लोग बैठेंगे और उधर साइड फिर हॉल में भी जा कर के सब लोग बैठेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं भी तैयार हूँ और अध्याय की मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे इसको बार बार देखना पड़ रहा है। और जो सारा सामान ननिहाल से आया है वही सब मम्मी लोग निकाल के देखो, यहाँ पर सब लोग तैयार हो रहे हैं, बुआ लोग रेडी हो रही हैं और बुआ जा रही है बीकी डाल लेना बुआ, इसीलिए बुआ तैयार हो रही है, मैं तैयार ही बैठी हुई। और आद्या ना सोने का नाम नहीं ले रहे, मैं सोच रही हूँ ना थोड़ी देर के लिए सो जाए तो मैं फ्री हो जाऊँ, मेरे ये हाथ ना खाली हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे हाथ खाली होंगे। मैं ऐसे ही इसको टांगे टांगे ही मुझे रहना पड़ेगा। तो बस आद्या जो है वो अभी जग रही है और जब तक ये जगेंगी तब तक मैं फ्री नहीं हूँ,
तो मुझे नहीं लगता अब ये सोएगी, अब ये सीधे शाम को ही सोएगी। तो चलो फिर अभी विकी जो है वो पढ़ने वाली है, तो आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या होने वाला। इधर आओ आद्या, चेन बंद करो, जिप बंद करो, जिप बंद करो, आओ इधर आओ, बंद कर देना, हम इधर आओ तुम। और अक्षत ना बाहर खेल रहा है, और बुआ के यहाँ सब लोग अभी इकट्ठे होते जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में भीखी जो वो पढ़ने वाली है। तो चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से। और ये नेल पेंट ना मेरी मैचिंग नहीं लग पाई है, बिल्कुल अपोजिट लगी हुई है। साड़ी मेरी पिंक एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में है, बैंगल्स भी पिंक है, लेकिन नेल पेंट ग्रीन लग गई है। और मैं बताऊँ सच में मुझे बहुत आलस लग रहा था, मेरा बिल्कुल भी रिमूव करने का मन नहीं कर रहा था कि मैं नेल पेंट रिमूव करूँ एंड अगेन फिर से नेल पेंट लगाऊँ, तो मुझसे नहीं हो रहा था इतना ज़्यादा। तो बस मैंने नहीं रिमूव किया, नहीं हटाया। तो चलो फिर, तो चलो अभी चलते हैं बाहर की तरफ और दिखाते हैं आपको कि क्या हो रहा है। तो आई थिंक भीखी वाली जो रस्म है वो शुरू हो गई है, माइन पूजा हो चुकी है। तो यहाँ पर दूल्हे राजा मंडप के नीचे पहुँच गए हैं, और हमारे यहाँ यही होता है कि सबसे पहले जो भीखी डाली जाती है वो माँ की ही भीखी पड़ती है। तो सबसे पहले बुआ जो है वो भीखी डालेंगी, और उसके बाद फिर मामी लोग डालती हैं, मतलब ननिहाल पक्ष से मामी मौसी ये सभी लोग डालते हैं, फिर बाकी लोग घर परिवार है जो उनका और गांव परिवार के लोग हैं वो सब डालते हैं। तो हमारे यहाँ तो इसी तरीके से होता है, और कई जगहों का अलग अलग रीति रिवाज है, सब जगह अलग अलग तरीके से होता है। तो मैं नहीं बता सकती कि और कहाँ कैसे होता है, बट हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, यूपी में आई थिंक सबके यहाँ ऐसे ही होता होगा। तो अभी चलते हैं और दिखाते हैं कि बुआ जो है वो भीखी डालने आ गई हैं, और यहाँ पर मम्मी जो है अपनी थाली लगा रही हैं, भीखी की सजा रही हैं, क्योंकि जैसे ही बुआ डालेंगी उसके बाद फिर मम्मी भी डालेंगी, तो इस वजह से थाली रेडी कर रही हैं। और अक्षत देख सकते हो मम्मी के ही पास बैठा हुआ है, और ये ना बहुत ज़्यादा इधर उधर भागता है, तो इसकी वजह से ना भीड़ भाड़ में इधर उधर ना हो जाएं। और यहाँ पर नाश्ता सबके लिए, क्योंकि जो भीखी डालने आएंगे उनको सबको नाश्ता दिया जाएगा, तो यहाँ पर रजनी और रजनी के भाई लोग जो है वो नाश्ता सबके लिए लगा रहे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, इसी रूम में कोहबर भी सजाया गया है, तो जब दुल्हन आ जाएगी तो यहीं पर सबसे पहले उसको ला करके पूजा कराई जाती है। तो कुछ इस तरीके से कोहबर सजाया गया है, और यहाँ पर देख सकते हो अब भीड़ काफ़ी हो गई है। यहाँ पर इधर इस रूम में भी सारे लोग आके बैठ गए हैं, और उधर दूसरे साइड हॉल में भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो सब भीखी डाल डाल के फिर तुरंत ही निकलेंगे, अपने घर की तरफ जाएंगे। आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरा तिलक का ब्लॉग देखा हुआ था, और बहुत सारे लोगों ने मुझे उस ब्लॉग में कमेंट किया था कि आपने ये लहंगा प्राची से लिया है या प्राची ने आपको दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ बड़ी बहनें छोटी बहनों से कुछ लेती नहीं है, बल्कि उनको देती हैं। तो मैंने प्राची से ये लहंगा नहीं लिया हुआ है, मैंने इसको मार्केट से परचेज़ किया है। और आई थिंक आप लोगों ने जब मैंने इसका रिव्यू किया था इस लहंगे का, तो आप लोगों ने ब्लॉग भी देखा होगा। जो लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं उन्होंने मेरे रिव्यू ब्लॉग में इस लहंगे को देखा होगा, और उनके पास भी सेम लहंगा हो सकता है, नो डाउट।
कई सारे लोगों ने मुझे ब्लैक लहंगे में निगेटिव कमेंट्स करे थे, तो मैं ये कहती हूँ कि ये आपकी अपनी सोच है, आपको अगर पसंद आएंगे तो आप लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं, बट निगेटिव कमेंट करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम एटलीस्ट ऐसा कमेंट ना करें जो किसी को ख़राब लगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो नहीं पसंद आती तो प्लीज़ आप लोग मत देखिए, बट ऐसे निगेटिव कमेंट्स मत करिए। तो यहाँ पर बुआ जो है वो भीखी डालने के लिए रेडी हैं, तो पहले इस तरीके से पैर पूजे जाते हैं। तो आज ये जो है पढ़ने जाएंगे काशी, और काशी पढ़ने जाता है आज के दिन लड़का और बरुआ के दिन। तो बस आज वही सब रस्म होंगी, और उसके बाद जब बरुआ होने के बाद फिर काशी जाने के लिए तैयार होंगे तो मामा लोग फिर मिल करके मनाते हैं और नेक भी देते हैं। तो आज वही सारी रस्म होने वाली है, और यहाँ पर फोटो सेशन भी शुरू है, उधर फोटोग्राफर लगे हुए हैं और जिसके जिसके हाथ में मोबाइल है सब फोटो क्लिक कर रहे हैं। तो आजकल शादियों की जो फोटोग्राफ्स होती है, जो वीडियोस होते हैं, वो तुरंत के तुरंत हमें देखने को मिल जाते हैं। वेट नहीं करना पड़ता है कि फोटोग्राफर भैया कब एल्बम बना के देंगे या फिर कब वीडियो कैसेट बना करके देंगे। तो बस यहाँ पर सब लोग लगे हुए हैं, और साथ में इनके जो मानदान हैं, इनके फूफा जी भी बैठे हुए हैं, तो उनका उनके भी पैर पूजे जाएंगे, उनको भी दक्षिणा दी जाएगी। और पंडित जी तो बैठे ही हुई हैं, तो देख सकते हो भीखी की रस्म जो है वो शुरू हो गई है। मम्मी आ गई हैं भीखी डालने, तो यहाँ पर मम्मी जो है वो भीखी डाल रही हैं, और इसके बाद चाची आएंगी। तो मम्मी बड़ी हैं तो इसलिए मम्मी पहले आई हैं, और चाची छोटी हैं इसलिए चाची बाद में आएंगी। तो सब लोग ऐसे ही नंबर लगा लगा करके आएंगे, और धीरे धीरे करके भीखी पड़ जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता शाम हो जाएगी पढ़ते पढ़ते, क्योंकि जब गाँव बड़ा होता है, लोग ज़्यादा होते हैं, तो टाइम तो लगना ही है। और टाइम बता दूँ ना, थोड़ा लेट ही सारा कार्यक्रम शुरू हुआ है, अप्रॉक्स 2 से 2:30 बजे के बीच में भीखी पढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि हमें ही पहुंचते पहुंचते 12 बज गए थे, और उसके 1-1.5 घंटे हमारे आने के बाद जाकर कि ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो अभी थोड़ा सा समय तो लगना ही है, 2:30 से 3 बजे के बीच भीखी पढ़ना शुरू हुआ है, तो शाम को 5:30-6 तो बज ही जाना है। और उसके बाद देख सकते हो चाची आ गई हैं, तो ये भी अब भीखी डालने जा रही हैं, और उधर साइड आपको दिख रहा होगा कि सारी औरतें बैठी हुई हैं और सब अपने अपने नंबर का वेट कर रही कि कब हमारा नंबर आएगा तो हम भीखी डालेंगे। तो बस अभी सबको इंतज़ार करना है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही लगने वाला है।
मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी क्योंकि अंदर आधे ना बहुत बोर हो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, परेशान कर रही थी, तो मैंने सोचा इसको मैं थोड़ा सा टहला करके लाती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको लेकर के बाहर आ गई थी और अभी ये थोड़ा सा खुश हो गई है। धूप अच्छी खिली हुई थी तो ये अब खुश हो गई हैं और अब मैं वापस से इनको लेकर के जा रही हूँ। तो सबसे लास्ट में मैंने ही भीखी डाला क्योंकि ऑलरेडी भीखी जो वो हो चुकी थी, सब डाल चुके थे। तो बस देख सकते हो अब यहाँ पर मामा लोग आए हैं और मामा लोग जो है वो इनको मनाएंगे भांजे जी को क्योंकि ये काशी पढ़ने जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर खड़े हुए हैं और मामा लोग मनाने के लिए आ रहे हैं। तो अभी आप लोग हमारे यहाँ की भाषा भी सुनिएगा कि कैसे मामा लोगों ने भांजे को मनाया, अभी सब आप सुनिएगा। तो थोड़ा सा हमारे प्रतापगढ़ की भी आप लोग लैंग्वेज इंजॉय कीजिए वीडियो में। दे देना इसका कुछ पैसा, बस पांच ठो प्रणाम जी ने आप नहीं देखेंगे इधर ही तू का ले पकड़ो इधर देखा इधर देखा इधर देखा है मामा कहाँ गए ये तो होने नहीं ना मामा के इन्हों में दूसरे में पहना है दिया वो कई वाले में पहना पतली वाले में मामी को दे है अभी एक मामी और आ रही है ले पकड़ा पढ़े भरे का होएगा कैसे आजकल 5 रुपए के रावण खर्च कर दिया 500 इतना पेट्रोल में खर्च हो गया। ये मामा वहाँ बैठा है, आइए आओ इधर आइए दुकान है मामा आए तो 5 कदम पहले किराया भाड़ा दे तो जगह पड़े निकला मैदान ले आ चार कदम बढ़ा तो समझी कि हाँ तू पढ़ लिख ले रहे अरे बाबा कमाए तो बाबा मामा तो कहाँ गए हैं तो सब ले ले दे तो आगे बस पकड़ी ना ये पाई दे रहा चल दे आज अरे स्टेशन तक जाए कोई प्यावा चाहिए ले अच्छा क्या बोले ले पानी ये टेबल पे रख दीजिए ठीक है अबे कहाँ माता भाई हम कहाँ चाहिए किराए में हम कहाँ किराए भर तो चाहिए इनका मामी कहाँ क्या तो को सुन लिया मतलब पढ़ाई के बारे में बिल्कुल कहाँ पढ़ाई से जाके तो पढ़ाई अरे वो बताइए दे वो बताइए और कहाँ वो साहब ही मेरे मामा उठ नहीं ले रहे दूल्हे राजा मान गए हैं और अभी ये पढ़ने नहीं जाएंगे और अब सीधा बारात लेकर के जाएंगे दुल्हन को लेने। तो देख सकते हो सब लोग इनके लोटे में कुछ न कुछ दान दक्षिणा डाल रहे हैं तो सब लोग खूब खुश हैं। और तो चलो फंक्शन जो है वो हो चुका है और अब मैं ये सारी चीज़ें ना उतारने जा रही हूँ ज्वेलरी वगैरह क्योंकि काफ़ी देर से पहन करके रखो ना तो अब उलझन सी हो रही है तो अब मुझे ये सब उतार करके रख देना है और बस सिंपल सा ही सूट डाल लेना है। और उधर मम्मी लोग अब सब खाना बन गया है तो खाना खाने जा रहे हैं हम लोग। तो ये देखो चाची भी अब जाएंगी खाना वाना खा के अब हम सब लोग घर जाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे चाची भी हैं मम्मी भी हैं और हम सब लोग हैं। तो चलो अभी हम लोग खाना वाना खा लेते हैं फिर आप लोगों से थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। और थोड़ी देर के बाद क्या मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करूंगी। पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।